हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलाई कोर्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हम आपको सिखाने जा रहे हैं तुरपाई करना, काज बनाना, हुक लगाना। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं तुरपाई करना। तो देखिए, हमको एक कपड़ा लेना है। कपड़े को कॉर्नर की तरफ से फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से कॉर्नर की तरफ से कपड़े को डबल फोल्ड करना है और कपड़ों के बीचों बीच मशीन से सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये कपड़े पर सिलाई लगा ली है। कपड़ा है जो दूसरे कलर का है और धागा मैं दूसरे कलर का ले रही हूँ। देखो, इस तरह से ये मैंने धागा लगाया है। तो देखिए, इस धागे में बड़े वाले हिस्से में एक गांठ लगा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने बड़े वाले हिस्से में गांठ लगा ली। कपड़े को इस तरह से पकड़ना है कि एक उंगली को कपड़े के निचले हिस्से में रखना है, एक उंगली को कपड़े के ऊपर वाले हिस्से में रखना है। तो देखिए, सुई को इस तरह से कपड़े में ले जाना है कि उंगली को टच करते हुए ऊपर की तरफ आए। इसी तरह से आपको पूरे कपड़े पर तुरपाई करनी है। देखो, इसी तरह से सुई को बार बार इसी तरह से नीचे की तरफ उंगली को टच करते हुए ले जाना है। ज्यादा सुई को नीचे की तरफ नहीं ले जाना है। तो देखिए, इसको बराबर बराबर हिस्सों में ही तुरपाई करनी है। देखिए, इसी तरह से ये पूरे कपड़े पर तुरपाई करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। देखिए, इसी तरह से ये सारे कपड़े पर तुरपाई करनी है। दूसरी कलर का धागा इसीलिए लिया है कि आप तुरपाई अच्छी तरह से देख सकें और सीख भी सकें। तो देखिए, अब ये कपड़ा हमको सीधा करके देखना है। देखिए, ये तुरपाई कितनी अच्छी हुई है और इसमें धागा भी ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपको तुरपाई करने में आसानी होगी। देखिए, इसी तरह से पूरे कपड़े पर बराबर बराबर हिस्सों में तुरपाई करनी है। देखिए, अब इसको लॉक करने के लिए मैं इसमें डबल गांठ लगा रही हूँ जिससे कि तुरपाई निकले नहीं। देखिए, ये पहली गांठ और इसी तरह से इसमें मैं दूसरी गांठ लगा रही हूँ जिससे कि ये तुरपाई निकले नहीं। ये जो तुरपाई है हो गई है। तो देखिए, ये सीधी तरफ से एकदम सही दिखाई दे रही है। एकदम छोटे छोटे धागे सीधी तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो जो मशीन से सिलाई लगाई है, इस सिलाई को मैं उधेड़ रही हूँ। आपको सीखने के लिए दूसरे कलर का कपड़ा और दूसरे कलर का धागा लेना ही जरूरी है। तो देखिए, अब सिखाती हूँ मैं आपके लिए काज बनाना। तो देखिए, इसमें कैंची से छोटे से हिस्से में काज कट करना है। तो देखिए, मैंने कैंची से काज कट कर दिया है और इसमें सुई में मैं डबल धागा लगा रही हूँ। तो देखिए, धागे के दोनों हिस्सों में यहाँ पर इसको बराबर करके इसमें मैं गांठ लगाऊंगी। अगर आपको तुरपाई करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताएं। तो देखिए, ये काज भी इसी तरह से करना है। उंगली को नीचे ले जाते हुए सुई को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लाना है। तो देखिए, सुई को इस तरह से
ऊपर की तरफ लाना है और इस धागे की जो गांठ है वो नीचे की तरफ ही रहनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से कपड़े के चारों तरफ बराबर बराबर हिस्सों में ही कपड़ा लेना है। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ से कपड़ा बराबर ही लेना है और कात सीखने के लिए दूसरे कलर का धागा ही प्रयोग करें, तब आप अच्छी तरह से सीख जाएं तो आप मैचिंग वाला धागा ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए इस तरह से ये काज है, मैंने चारों तरफ से बराबर बराबर हिस्सों में कपड़ा लिया है और ये काज है जो मेरा बनके तैयार भी हो गया है। अब देखिए ये जो काज है पूरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब इस सुई को नीचे की तरफ ले जा रही हूँ, उसको लॉक भी करना है जिससे कि काज की सिलाई नहीं निकले। तो देखो इस तरह से सुई को नीचे ले जाके फिर इस सिलाई काज की सिलाई को लॉक करूंगी। देखिए इस तरह से इसमें निकाल के और ये गांठ लगा दी है जिससे कि ये सिलाई निकले नहीं। ये जो काज है ये बन गया है। देखो ये काज एकदम ठीक से बना है। और अब आपको मैं बताती हूँ हुक लगाना। तो देखिए पट्टी पर हुक को इस तरह से लगाएं कि हुक बाहर की तरफ भी नहीं निकले और ज़्यादा अंदर की तरफ भी नहीं जाए। तो पट्टी के बीचों बीच हुक को लगाना है। तो देखिए इस तरह से हुक को लगाएं कि हुक के ऊपर वाले हिस्से को अंगूठे से दबा लें और निचले वाले हिस्से में सुई को इस तरह से लगा सुई उंगली से टच करते हुए ऊपर की तरफ लाएं, लेकिन ज़्यादा नीचे की तरफ सुई को नहीं ले जाएं। नीचे की तरफ धागा नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई करनी है, जो इसी तरह से चारों तरफ से। तो अब इसके ऊपरी हिस्से में भी धागे से इसी तरह से सुई को उंगली से टच करते हुए ऊपर की तरफ लाना है। यहाँ से हुक को थोड़ा टाइट करना है जिससे कि हुक को ऊपर की तरफ से उठा हुआ दिखाई नहीं दे। तो देखिए ये मेरा हुक भी लग गया है। अगर आपको तुरपाई करने में, काज बनाने में या हुक लगाने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। देखो ये मेरी तीनों चीज़ें हैं जो बनके तैयार हो गई।